घर देख रहे हो आप? एक्चुअली सिंगापुर का कलरफुल घर है, ये तो चलते चलते दिख गया मुझे। लकी प्लाजा में एक्चुअली काफ़ी शॉप्स है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन जो फर्स्ट वाला शॉप था मुझे बहुत बढ़िया रेट में मिला है वहाँ पर, तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूँगा। हालांकि आप भी कभी ट्राई करना अगर आप यहाँ पर आते हो तो, किधर और भी अगर आपको अच्छा रेट में मिल रहा है तो ज़रूर ले लीजिएगा। $80 कुछ चल रहा था यूनिवर्सल स्टूडियोज के टिकट्स, तो यहाँ पे देखा तो 70 में मिल रहा था मुझे। हालांकि मैंने मेक माई ट्रिप पे देखा कि वहाँ पे तो $50 में मिल रहा था, लेकिन आपको सिर्फ यही बताना था कि कभी भी अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो किसी के लिए भी आप टिकट अगर जाके लेते हो तो पहले एक बार वहाँ पर खुद जाके देख लीजिएगा और एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा और फिर ही आप टिकट खरीदना। खैर अभी तो मैं जा रहा हूँ लिटिल इंडिया, और अब अगर वहाँ पर कुछ अच्छा दिखा सकता हूँ आपको तो वो भी दिखा दूँगा आपको, तो चले मिलते हैं लिटिल इंडिया में। लेकिन लिटिल इंडिया जाने के बजाय हम नॉर्थ लाइन वाले MRT पकड़ कर सीधे चले गए बिशान, और वहाँ से लाइन चेंज करके यानी कि सर्कल लाइन वाले MRT पकड़ कर हम सीधे चले गए सेरंगून MRT स्टेशन। सिंगापुर के बाकी MRT स्टेशन की तरह ही सेरंगून MRT स्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस स्टेशन की एक खासियत तो यह है कि यह स्टेशन सीधे NEX और सेरंगून बस इंटरचेंज से जुड़ा हुआ है, और अब मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। शॉपिंग मॉल में पहुंच ही गए। NEX यानी कि नेक्स्ट सिंगापुर के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के भीतर सेरंगून में एक रीजनल शॉपिंग मॉल है, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट सिंगापुर में सबसे बड़ा मॉल और देश के सबसे बड़े उपनगरीय मॉल में से एक है। एंड इज इंटीग्रेटेड विद एयर कंडीशन सेरंगून बस इंटरचेंज एंड सेरंगून MRT स्टेशन। अभी ये खा रहा था मैं, एक्चुअली ये सब एक $1 में मिल रहा था मुझे, जो कि सेरंगून MRT के पास में ही है, तो सब $1 में मिल रहा था वहाँ पर। तो मैंने एक ट्राई किया तो इतना मतलब खाकर ऐसा लगा कि और एक बार खाओ, इसलिए मैंने थोड़ा पार्सल ले लिया, मतलब थोड़ा टेक अवे ये पार्सल ले लिया घर के लिए, तो जिनके साथ शेयर करूँगा और खुद भी खाऊँगा, काफ़ी अच्छा है। तो आप भी कभी आएगा सेरंगून MRT स्टेशन में तो बाहर निकलोगे तो आप ज़रूर खाना खा लेंगे, तो इस तरह से स्नैक्स। और सच कहो तो ये स्नैक्स वाकई में काफी यम्मी था। और फाइनली हम सिंगापुर बस इंटरचेंज के यहाँ पहुंच ही गए, जहाँ से हमने 317 नंबर की बस पकड़कर सीधा निकल गया लैंग रोड की तरफ, जहाँ पर हम चीन की फ्रेंड से मिलने वाले थे। SBS ट्रांजिट लिमिटेड सिंगापुर में बस, रेल और टैक्सी सेवाओं का संचालन करने वाला एक बहु मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, और ये सिंगापुर में सबसे बड़ा पब्लिक बस ऑपरेटर है। और आखिरकार हम सेरंगून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट ही उतर गए, जैसे लैंग रोड लगभग 8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर था। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे एक बाइसिकल दिखाई दी, हालांकि इस बाइसिकल को चलाने के लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बस बाइक पर QR कोड को स्कैन करें और इस बाइसिकल की सवारी करें। हालांकि 20 मिनट के राइड के लिए आपको 0.99 तकरीबन $1 तो देना ही पड़ेगा। और 78 यू चुकांग रोड से होते हुए हम आखिरकार लैंग रोड पहुँच ही गए। जिन की फ्रेंड इसी घर में रहती है, और घर के बाहर थोड़ा वेट करने के बाद जिन की फ्रेंड यानी कि अलमा से मेरी मुलाकात हो ही गई।
से ही सेरेंगुल नमाटी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। जाते वक्त मुझे डबल डेकर बस में बैठने का मौका मिला, वो भी एकदम आगे की सीट पर, जो कि मेरी फेवरेट सीट है। अभी मैं सिरंगुर रोड से लंज रोड गया था तो बस जिनके फ्रेंड से मिला, बातचीत हुई और फिर थोड़ा नाश्ता मतलब स्नैक्स खा के तो जो भी उन्होंने दिया वो सब थोड़ा बहुत खा लिया, फिर वहाँ से निकल गया अभी हम, और अभी सीधा घर की तरफ ही जा रहा हूँ। हालांकि जाते जाते मुझे एक बात मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर जब मैं चल रहा था रोड पर तो एक मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी जब चला रहा है तो कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा, मतलब यहाँ पर हॉर्न का साउंड शायद ही मैंने कभी सुना रहेगा। मैं उस पर गौर किया अभी तो जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई में हॉर्न बजाते रहते हैं, थोड़ा भी रुकने का यही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है, जो हॉर्न बजाते रहते लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब सिस्टमेटिक चल रहा है और कोई हॉर्न भी अभी तक मैंने कोई हॉर्न नहीं सुना है फिलहाल, शायद एक ही बार सुना रहेगा, मतलब इतनी अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है ही नहीं एक तरह से, जैसा हॉर्न बजाते हमारे यहाँ पर वैसा कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ सिरंगुर हमारे स्टेशन पर और वहाँ से फिर जाऊँगा घर। तो आज बस इतना ही एक्सप्लोर किया मैंने, ज़्यादा नहीं किया, धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि टाइम है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता दूंगा एंड में कि पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको कितना दिन लगेगा, अगर सब चीज़ अगर आपको देखनी है। कल मैं मस्त जगह जाने वाला हूँ तो कल की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए आप ये नज़ारा देखिए और फिर मिलते कल। By the way, वापस आते वक्त मुझे पता था कि सेरंगुन एमआरटी स्टेशन के लिए हमें दूसरे स्टॉप पर उतरना है, लेकिन जिनके कहने पर ही मैं बैठा रहा और गलती से हम 11वें स्टॉप यानी कि सीधा कलंग में उतर गए, वो भी ठीक जेनोवा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सामने। जैसे जो नियरस एमआरटी स्टेशन है वो है बेंडमयूर एमआरटी स्टेशन और अब हम वहीं पर जा रहे हैं। मेरे राइट साइड में है पीओईटी जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करता है। Can someone make this headache go away? We were there. मेरे लेफ्ट साइड में है किआनोवा मोटर जो कि यूरोपियन ब्रांड कार निर्माताओं के लिए सभी ओरिजिनल और ओईएम पार्ट्स के लिए एक टॉप टियर सप्लायर और सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है। मेरे राइट साइड में है मिनगी ऑटो जो कि सिंगापुर में एक लीडिंग ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स कंपनी है। और चलते चलते हम कलंग बारू रोड पर आ गए। भाई एक्चुअली गलती हो गई, जिनके जो दोस्त थे उनसे मिलकर तो हम निकल गए, लेकिन अजीब वो गरीब जगहों पर आ गए हम, कलंग साइड में आ गए हम जाके, और मुझे पता भी नहीं था इनको, जिनको भी नहीं पता। तो फाइनली रास्ता पूछ के हम अभी जा रहे हैं सही जगह पर, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि एक अच्छा व्यू देखने मिल रहा है। व्यू यानी कि एक अच्छी जगह देखने मिल रही है, ये जगह पर शायद मैं नहीं आ पाता, तो गलती से भी आप अगर कहीं पहुंच जाए तो घबराइएगा मत, उल्टा अच्छा ही होता है जो भी होता है वो। और ऐसा घूमने मुझे मिला है अभी, मतलब गलती से आया हूँ यहाँ पर और ये बिल्डिंग्स देखने मिल रही है मुझे, तो मैं बहुत खुश हो गया। अलग अलग लाइट वाली बिल्डिंग है, सिटी हब। तो आप भी कभी गलती से कभी गलत जगह पर आ गए तो घबराइएगा मत, बस बिंदास रहिएगा, लोगों से पूछिए, बस लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब मैं एमआरटी के यहाँ पर आ गया, ये कोई और एमआरटी है, बेंडीमेर एमआरटी, तो बस यही से अभी हम अपने घर जाएंगे। तो चलिए अब जाने का टाइम हो गया है घर। और फाइनली बेंडीमेर एमआरटी स्टेशन से हमने डाउनटाउन लाइन वाली एमआरटी पकड़कर सीधे चले गए चाइना टाउन, और वहाँ से लाइन चेंज करके यानी कि नॉर्थ ईस्ट लाइन वाली एमआरटी पकड़कर हम सीधे चले गए हार्बर फ्रंट, और वहाँ से फिर से लाइन चेंज करके यानी कि सर्कल लाइन वाली एमआरटी पकड़कर हम सीधे चले गए लैब्राडोर पार्क एमआरटी स्टेशन, और फिर लैब्राडोर पार्क एमआरटी स्टेशन से अलेक्जेंडर पार्क हमने चलकर जाने का फैसला किया।
लेकिन देख पिछली रात की तरह हमने बैरफुट यानी कि नंगे पांव चलकर ही घर चले गए।